नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। नेशनल हेराल्ड केस में 13 जून 2022 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेशी का दौर शुरू हुआ। पहले दिन राहुल गांधी से करीब 3 घंटों तक पूछताछ की गई। इस दौरान राहुल से लगभग 50 सवाल किए गए और राहुल से ईडी के सवालों का सिलसिला कई दिनों तक चला। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया था, लेकिन सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अस्पताल में भर्ती हो गई, जिसके चलते ईडी ने उनसे पूछताछ की तारीख को आगे बढ़ा दिया। वैसे तो इस मुद्दे को देश में चलते हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन कई लोगों के जहन में अभी भी यह सवाल जरूर होगा कि आखिर ये मामला क्या है। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के सियासी सफर के साथ उनके हराल्ड की भी पूरी कहानी बताएंगे। बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड की। इस न्यूज़पेपर की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस कंपनी में राहुल गांधी डायरेक्टर और सोनिया गांधी महत्वपूर्ण शेयरधारक थी। पंडित नेहरू के अलावा 500 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे। ये कंपनी दो और दैनिक समाचार पत्रों उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन का प्रकाशन करती थी। आजादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को उठाने वाला प्रमुख मुखपत्र बन गया। 1942 में अंग्रेजों ने इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया। 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया। 1947 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अखबार के बोर्ड के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अखबार का प्रकाशन जारी रहा। 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजीएल बनाई थी। इसके तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। उस वक्त एजीएल पर 90 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज था, जिसे खत्म करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी 38-38% थी। बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। एजीएल की देनदारी चुकाने के लिए यंग इंडिया को एजीएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए, लेकिन शेयर की हिस्सेदारी ज़्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। एजीएल की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन लिया था, वह भी बाद में माफ कर दिया गया। इसके बाद साल 2008 में वित्तीय घाटे की वजह से अखबार का प्रकाशन एक बार फिर बंद कर दिया गया। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी को होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड YIL को ट्रांसफर कर दिया गया। यंग इंडिया लिमिटेड की शुरुआत साल 2010 में हुई और राहुल गांधी इस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। इस कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी। धीरे धीरे 1-2 साल बीते और इसके बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दवे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखेधड़ी और पैसे की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का आरोप लगाया। सुब्रमण्यम के आरोप के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जे के लिए YIL ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए AJL का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसे दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बने हेराल्ड हाउस की 200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। बस फिर क्या था, सुब्रमण्यम की इस पहल के बाद शुरू हुई ईडी की एंट्री। स्वामी ने 2000 करोड़ की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की। इस मामले में जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपी के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। साल 2015 के दिसंबर में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को जमानत तो दे दी, लेकिन 2016 में भी इस केस में सुनवाई चलती रही।
सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया राहुल समेत सभी नेताओं का इस मामले में निजी रूप से अदालत में हाजिर होने से छूट दे दी। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने AGL का बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया। फरवरी 2019 में गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद 1 जून 2022 को ED ने इस मामले में सोनिया और राहुल को हाजिर होने का नोटिस भेजा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई है और वे झुकेंगे नहीं। खैर, ये तो था आपके जहन में उठ रहे सवाल का जवाब कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के बैचलर नेता यानी कि राहुल गांधी का सियासी सफर कैसा रहा। वैसे तो सभी को पता है कि राहुल गांधी को सियासत विरासत में मिली है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का नाती होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री का बेटा होने के बाद और देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के बाद राहुल का सियासी सफर आखिर कैसा रहा, तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं राहुल गांधी की पूरी कहानी। राहुल गांधी ने साल 2004 में कांग्रेस पार्टी में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। अपने राजनीतिक सफर में राहुल गांधी को कभी सफलता तो कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा। साल 2004 में राहुल ने राजनीति में पहला कदम रखा और अमेठी से चुनाव लड़ा, जिसका प्रतिनिधित्व पहले पिता राजीव गांधी ने किया था, वहीं से राहुल ने शुरुआत की। राहुल चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते, जिसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई और केंद्र में UPA की सरकार का नेतृत्व किया। साल 2007 में राहुल गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया और भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्र छात्र संघ का प्रभार भी दिया गया। इसके बाद साल 2008 में राहुल खुद को गरीबों और दलितों के मसीहे के रूप में स्थान देने लगे। नियामागिरी के आदिवासियों को समर्थन देने के साथ शुरू करते हुए राहुल ने यूपी में गांवों में रातें बिताई, मुंबई में लोकल ट्रेनों में सफर किया, दिल्ली में रिक्शा चालकों और स्वच्छता कर्मचारियों से मुलाकात की और बजट एयरलाइंस को भी उड़ान दी। इसके बाद साल 2009 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल ने 125 रैलियों का नेतृत्व किया, जिसकी वजह से यूपी में कांग्रेस ने 80 में से 21 सीटों पर जीत हासिल कर यूपीए के साथ सत्ता में वापसी की। साल 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए राहुल ने कहा कि सत्ता विष है। पार्टी महासचिव अजय माकन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग में एक आश्चर्य की बात करते हुए अपनी खुद की सरकार के प्रस्तावित अध्यादेश को राहुल ने पूरी तरह से निरर्थक बताया। साल 2014 में यूपीए ने अपनी सत्ता गंवाई। कांग्रेस लोकसभा में 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। राहुल गांधी भी अमेठी से हार के काफी करीब थे, लेकिन बहुत कम अंतर से अमेठी में अपनी साख बचाए रखने में सफल रहे। साल 2017 में अपने ट्विटर हैंडल का प्रभार लिया और NDA सरकार पर जमकर निशाना साधा और फौरन सोशल मीडिया पर छा गए और उसके बाद राहुल कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव में BJP को कड़ी टक्कर दी। इतना ही नहीं, नोटबंदी के बाद करेंसी बदलवाने के लिए बैंक की कतार में लगे। इसके बाद साल आया 2019, जब लोकसभा के चुनाव हुए और BJP ने प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को बौनी साबित कर दिया। पार्टी को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद साल 2022 में अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को दूर दूर तक जीत की शक्ल देखने को नहीं मिली। तो ये तो थी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के राजनीतिक सफर की कहानी। फिलहाल सफरनामा में आज के लिए इतना ही। फिर जुड़ेंगे किसी नए राजनेता के राजनीतिक सफर की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।